ओम शांति। बाबा की हम सभी के लिए शुभ भावना है कि मेरे सभी बच्चे निर्विघ्न बन जाएं। सोचो भगवान को कैसा लगता होगा जब वो देखता है कि उसके बच्चे भी विघ्नों में जीवन जी रहे हैं, उदासी में जीवन जी रहे हैं, परेशानियों में जीवन जी रहे हैं। तो हम अपने स्वमान को पहचाने, हम तो हैं सभी के विघ्न नष्ट करने वाले, हम तो बाबा का स्वरूप बनने वाले हैं। योगी तो नेक्स्ट टू गॉड होते हैं, भगवान का स्वरूप होते हैं। हमें अपने जीवन को विघ्नों में नहीं बिता देना है। बाबा ने विशेष इशारा दिया, संकल्पों में भी विघ्न न हो। दो बातें हम याद रखेंगे, हमारे संकल्पों में भी विघ्न न हो और हम किसी के मार्ग में विघ्न डालें भी नहीं। कोई आगे बढ़ रहा है उसका रास्ता साफ कर दें, कोई आगे बढ़ता है उसे सहयोग दें, बढ़ने में मदद करें, न कि ईर्ष्या करें, क्योंकि ईर्ष्या के संकल्प हमारे अपने जीवन में विघ्न बन जाते हैं, नफरत के संकल्प हमारे अपने जीवन में विघ्न बन जाते हैं। बाबा ने हमें समय दे दिया है एक मास का, और हम इस एक मास में अपनी स्थिति को संपूर्णतया निर्विघ्न बनाएंगे। व्यर्थ संकल्पों के विघ्न हमारे पास न हो, कोई ऐसा संकल्प न हो जो हमारे मन को अशांत करता हो, जो हमारे मन में उद्वेग की ज्वाला जला देता हो, जो हमारे चित्त के चैन को नष्ट कर देता हो। सबसे बड़ी हमारी साधना यही है, सबसे सुंदर अध्यात्म का स्वरूप भी यही है कि हम अब संकल्पों के विघ्नों से मुक्त हों। जब हम संकल्पों के विघ्नों से मुक्त होंगे तभी तो हम निर्विघ्न जीवन जिएंगे और तभी हम में शक्ति आएगी संसार के विघ्नों को नष्ट करने की। यदि हम अपने विघ्नों में ही लगे रहेंगे, यदि छोटी-छोटी बात को विघ्न बनाकर अपनी स्थिति को डाउन करते रहेंगे तो हम दूसरों के विघ्न कैसे नष्ट कर सकेंगे, जबकि हमें तो एक दूसरे को सहयोग देना है। संसार में भी जो अच्छे मित्र होते हैं, जो अच्छे परिवार में संबंधी भाई बहने होते हैं, वो एक दूसरे को मदद करते हैं, जो अच्छे नहीं हैं, वो विरोध करते हैं, वो दूसरे को आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनके मन में जलन पैदा होती है। पर हम तो गॉडली फैमिली के मेंबर हैं, हमें एक दूसरे को प्यार देना है, और अगर कोई विघ्नों में आ गया है तो उसे मदद करनी है। संकल्पों के विघ्नों में, इम्प्योरिटी के विघ्नों में कोई आ गया है, कोई ब्लैक मैजिक के विघ्नों में आ गया है, किसी के जीवन में ऐसे ही अनचाहे विघ्न आने लगे हैं, एक्सीडेंट्स हो गए हैं, काम धंधे ठप हो गए हैं, लोग सब विरोधी हो गए हैं, ये सब विघ्नों के स्वरूप होते हैं। हम इसमें एक दूसरे को मदद करें, और सबसे अच्छी मदद यही होती है कि हम उन्हें उनकी सोई हुई शक्तियों की याद दिलाएं, हम उन्हें याद दिलाएं कि तुम्हारे साथ तो भगवान हजार भुजाओं के साथ है, वो तो तुम्हारी छत्र छाया है। हम उन्हें याद दिलाएं तुम तो स्वयं विघ्न विनाशक हो, तुम महान हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम साधारण नहीं हो, तुम्हें इन विघ्नों से नहीं घबराना है, तुमने कल्प कल्प इन विघ्नों को पार किया है। ये स्मृतियां दूसरों में जागृति पैदा करेंगी। तो आइए आज सारा दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करें फरिश्ते सो देवता का। बहुत अच्छी ड्रिल है, एक दो बार बैठकर कर लें। मेरे सामने लेफ्ट साइड में मेरा फरिश्ता स्वरूप यानी फरिश्ते की ड्रेस टंगी है, राइट साइड में मेरी देवताई ड्रेस टंगी है, और यहाँ मैं अपनी इस ब्राह्मण ड्रेस में हूँ। ड्रेस माना शरीर। अब मैं इस ड्रेस से निकलकर चलता हूँ, फरिश्ते की ड्रेस पहन लेता हूँ। मैं बन गया फरिश्ता, मेरे अंग अंग से प्रकाश की किरणें फैलने लगी। अपने स्वरूप को बहुत क्लियर देखें कुछ देर।
फिर इस फरिश्ते स्वरूप से निकलकर देव स्वरूप में डबल ताजधारी, बहुत डिवाइन तेजस्वी शरीर, संपूर्ण पवित्र, अब मैं इस देह में हूँ। फिर ब्राह्मण देह में तीनों का हमें नशा चढ़ता जाए और फिर सारे दिन में स्मृति रखेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, मुझे देवता बनना है। ओम शांति।